गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा इनकम टैक्स का, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है जो हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनकी संकीर्ण मानसिकता का, कि किस तरीके से हमारे देश में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ असेसी के बारे में एक प्री कंसीव्ड आइडिया को लेकर के असेसमेंट करती हैं। वो ये सोच के करती हैं कि हम दो अपोजिट पार्टीज़ हैं, असेसमेंट अथॉरिटीज अपोजिट पार्टी है और असेसी जो है वो दूसरी पार्टी है। जबकि जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का मेन मकसद है वो ये मकसद है कि हमको असेसी की ट्रू इनकम को कैलकुलेट करना, ना कि उसको गलत साबित करना, ना कि उसको कोई ऐसी परिस्थिति में डालना जिसकी वजह से वो सालों साल जो है वो डिपार्टमेंट के चंगुल से, डिपार्टमेंट के नोटिस से बाहर ना निकल पाए। ऐसा ही एक मैटर इस केस में डिसाइड हुआ। केस का नाम है श्रीमती उमा अग्रवाल वर्सेस आईटीओ ग्वालियर 2021। ये मैटर रिसेंटली डिसाइड हुआ है और मैटर 189 आईटीडी 659 taxman.com 735 आईटीएटी आगरा में ये डिसीज़न आया। फ्रेंड्स, इस केस में एक हिंदुस्तान नारी ने मात्र 2,11,000 रुपये डिमोनेटाइजेशन के दौरान जो है वो अपने बैंक अकाउंट में जमा किए। जब असेसमेंट हो रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने इस 2,11,000 रुपये को सेक्शन 69A के अंदर, जो सेक्शन अनएक्सप्लेन मनी के बारे में बात करता है, उसके अंदर एडिशन कर दिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने ये कहा कि ये पैसा मेरी पास्ट सेविंग्स में से है, ये पैसा मुझे अपने हस्बैंड से, अपने रिलेटिव से, अपने बच्चों से, जो कि एक इंडिया का कल्चर भी है कि एक लेडी को उसके पीहर वाले, ससुराल वाले, उसका बेटा जो है वो कभी कभी छोटे अमाउंट्स एज ए टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन जो है वो दे देते हैं, तो उसी में से वो लेडी जो है उस पैसे को बचा लेती है। और कई बार हमने अपने परिवारों में भी देखा है कि वो पैसा हमें बढ़िया काम आता है ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास फंड्स की कमी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि 10 लाख रुपए की रकम पूरी करनी है और 1 लाख रुपए कम पड़ रहा होता है, तो वो घर की लेडीज़ जो है वो उसको पूरा कर देती हैं, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वो पैसा बैंकों में जमा करना था। तो इसीलिए इस केस में जो ये लेडी थी उसने भी 2,11,000 रुपये अपने बैंक में जमा किए और ये कहा कि ये पैसा मेरा पास्ट सेविंग्स में से है और इस केस में वो लेडी कोई भी उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या बिजनेस इनकम नहीं थी। डिपार्टमेंट की एक इंस्ट्रक्शन आई थी, इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2017, ये 21 फरवरी 2017 को आई थी और इसने एक इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये कहा गया था कि यदि किसी लेडी 2,50,000 रुपये से कम अपने बैंक में जमा करती है जिसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो उस लेडी का कोई भी उस कैश जमा पर कोई भी प्रेशर नहीं किया जाएगा और वो उसकी इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये अमाउंट सेक्शन 69A के अंदर उमा अग्रवाल के केस में ऐड कर दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब एसएससी सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील से भी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि ये तो एक ऐसी अपीलेट अथॉरिटी है जो कि खाली इसलिए बैठी हुई है कि वो असेसमेंट ऑर्डर्स को एज इट इज आगे भेजने के लिए। तो मुझे ये लॉजिक्स नहीं समझ में आता कि क्यों सरकार ने सीआईटी अपील अपीलेटी अथॉरिटी को अभी भी रखा हुआ है। व्हेन दे डू नॉट वांट टू यूज देयर माइंड देन दे दिस अपीलेटी अथॉरिटी दैट इज सीआईटी अपील शुड बी नो मोर इन द इंडियन टैक्स सिस्टम एज फार एज द डायरेक्ट टैक्सेस इज कंसर्न्ड। बहरहाल एसएससी जो है वो आईटीएटी गया और आईटीएटी ने इस इंस्ट्रक्शन को का हवाला देते हुए इस एडिशन को डिलीट कर दिया और ये कहा कि ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है, एसएससी इस इंस्ट्रक्शन के दायरे में आता है और एसएससी ने जो भी एक्सप्लेनेशन दी है असेसिंग ऑफिसर उसके बारे में कोई भी ऐसा एविडेंस प्रूव नहीं कर पाया है कि ये एसएससी की बिजनेस इनकम है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली यही कहती है कि यदि किसी की बिजनेस इनकम नहीं है और उसने 2,50,000 रुपये अपने बैंक में जमा किए हैं तो उससे कोई प्रेशर नहीं पूछा जा सकता। तो असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया था जिससे ये पता चल रहा हो कि उस लेडी की कोई बिजनेस इनकम है, इसीलिए आईटीएटी ने
उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर जो 2,11,000 रुपये की एडिशन 69A में की गई थी उसको डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि कई बार हम अपने मैटर पे लड़ते हैं और डिपार्टमेंट का ही कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन होता है जिसकी हम मदद ले सकते हैं, तो ऐसे जो डिपार्टमेंट के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ये तो पब्लिक होते हैं बेसिकली, तो इनसे हमें बड़ी मदद मिलती है और हम इनका सहारा ले सकते हैं। और ये केस एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर्स खाली एक हरसमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं, और ऐसे केसेस में उनके ऊपर एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि उन्हीं लोगों को ये नहीं पता कि हमारे देश का कानून क्या है। जब देश का कानून ये है कि यदि कोई लेडी है, यदि उसके बिजनेस इनकम नहीं है, यदि वो 2,50,000 रुपये से कम कैश जमा करती है तो वो उसकी इनकम में ऐड नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे केस में यदि एक सिंपल भारतीय नारी को यदि ITAT तक लड़ना पड़ेगा इन छोटे छोटे मैटर्स के लिए, तो इससे हमारे देश के आम नागरिक का एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति एक बहुत ही अजीब तरीके का सिग्नल जाएगा और इससे उनका विश्वास टूटेगा। बहरहाल, इस केस में ITAT ने असेसी के एडिशन को डिलीट किया सेक्शन 69A में और उसको रिलीफ दिया। केस का नाम एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केस का नाम है श्रीमती उमा अग्रवाल वर्सेस ITO ग्वालियर, और ये मैटर ITAT आगरा ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।